18 सम है 10th क्लास का, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, यानी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो हमें 24 दिया है और सिक्स और एट्थ टर्म का जो 10th टर्म का सम हमें 44 दिया है। तो हमने फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स हमने बतानी है एपी की। तो पहले हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा ए प्लस 3d इज इक्वल टू, ये फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, एट्थ टर्म ए प्लस 7d और सिक्स टर्म ए प्लस 5d और 10th टर्म ए प्लस 9d। यानी कि 4 में से 1 हटाया 3, 8 में से 1 हटाया 7, 6 में से 1 हटाया 5, n माइनस 1 होता है ना। तो ये हमारी फोर्थ और एट्थ टर्म आ गई, तो इसको हमने दोनों को प्लस करके फर्स्ट टर्म बना ली, ए प्लस 3d और ए प्लस 7d को प्लस कर दिया तो बन गया 24। ये इसका सम दिया हुआ हमें 24 दिया हुआ है। दूसरा सिक्स और एट्थ टर्म को प्लस कर लिया, ये सिक्स टर्म है, ये देखो सिक्स टर्म 8 प्लस 5d और 10th टर्म ए प्लस 9d, तो ये आ गया 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। तो हमने क्या किया, 2 को 1 से माइनस कर दिया, तो 2a से 2a कट गया, 10d फॉर प्लस का है, 14d माइनस का है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस है माइनस कट गया, तो d इज इक्वल टू 20 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो पहली जो इक्वेशन है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, इसमें हमने d की वैल्यू फाइंड कर दी, भर दी, तो 10 5 था 50 इधर जाके माइनस हो गया, 24 में से माइनस गया, बाकी रह गया 26। तो a की वैल्यू 2a इज इक्वल टू 26 है, तो a की वैल्यू माइनस 13 आ गई। तो हमने जो फर्स्ट टर्म आपकी a जो है वो माइनस 13 हो गई और सेकंड टर्म आपकी माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 हो गई, और 13 में से 25 फाइव 10 प्लस करेंगे तो माइनस 3 आ गया, और ये हमारी पहली तीन टर्म्स आ गई जो हमने निकालनी थी। पहली फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ एपी, यानी थ्री टर्म्स ऑफ एपी हमने फाइंड करनी थी, तो ये हमारी आ गई माइनस 13 और माइनस 8 और माइनस 3, ठीक है, ओके।